राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको और एक सुंदर सा प्लांट दिखाती हूँ। इसका नाम है कोलियस। कोलियस की बहुत सारी वैरायटी आती है। कोलियस में कलर बहुत सारे आते हैं। इसकी खूबसूरती क्या होती है, इसमें फूल तो छोटे छोटे आते हैं, थोड़ा सा लंबा लंबा कलिया कलिया बनी रहती है, बट ना इसकी जो खूबसूरती रहती है वो है इसकी पत्तियाँ। इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत होती है, तरह तरह की डिज़ाइन बनी होती है। और ना ये देखिए इसके फूल है, ये जो देख रहे हो ना, थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसे ही थोड़ा सा लंबा साइज का होता है और छोटी छोटी कलियाँ बनी रहती हैं। उससे बीज बनते हैं, तो आप उस बीज से भी इसको कलेक्ट कर उस बीज को ना कलेक्ट करके इससे पौधा मतलब उगा सकते हो। इसको आप नॉर्मली कटिंग से उगा सकते हो, चाहो जितना प्लांट बना सकते हो। तो ये छोटे से छोटे गमले और बड़े से बड़े गमले में लग जाता है। और इसकी खूबसूरती मैं बता रही थी, इसकी पत्तियों के कारण होती है। इसमें एक मेहरून कलर का आता है, और वैसे कलर डिफरेंट आता है, मेहरून कलर का, रेड कलर का, और ये नियॉन कलर का, ग्रीन कलर का, तो बहुत सारी वैरायटी आती है इसमें। आप इसकी कटिंग आसानी से लगा सकते हो, और जैसे आपको अपना पौधा घना करना है और अच्छे तरह से केयर करना है, तो ना जो पौधा घना करना है तो आप इसकी पिंचिंग करते जाइए। जैसे मैंने ब्रांच आया उसको थोड़ा सा पुराना हुआ, फिर पिंच कर दो ना, तो पिंचिंग कर दो जाओगे ना, तो नए नए ब्रांच फिर आएंगे और पौधा घना हो जाएगा और खूबसूरत दिखेगा। तो मैं इसकी पिंचिंग करते जा रही थी, पर जब देखा कि इसका आकार थोड़ा दिल सेप में आ गया है, तो मैंने इसको पिंचिंग करना बंद कर दिया है। पौधा वैसे अच्छा दिख रहा है, तो जैसे सुंदर दिख रहा है तो पौधा को आप पिंचिंग करना बंद कर दीजिए, पौधा और अच्छा लगेगा आपको देखने में भी। और हाँ, ऐसे आपको गार्डन में जैसे कलरफुल आपको गार्डन रखना है भी, जैसे फूल आपके गार्डन में बहुत कम खिलते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि हमारा गार्डन कलरफुल दिखे, तो आप इसकी जो अलग अलग वैरायटी कलर की जो प्लांट आते हैं ना, जो कलर की प्लांट आते हैं, जैसे मेहरून कलर, रेड कलर, तो उस प्लांट को आप गार्डन में ऐड कीजिए अपना। दूर से देखोगे तो इतना सुंदर दिखता है। तो मेरे पास ना अभी तो फ़िलहाल तीन वैरायटी है, दो वैरायटी ना ख़राब हो गई थी, तो उसका मेरे को कटिंग मिला है। तो दो एक खनी और आपको दिखाऊंगी इसके कोलियस के प्लांट, दो और है मेरे पास जिसको मैंने कटिंग से अभी लगाया है, तो फ़िलहाल अभी लग रहा है, तो छोटा छोटा कटिंग मिल गया था मुझे, तो मैं उसको लगाई थी। और ये जो दो प्लांट आपको दिखाई ना इस वैरायटी के कोलियस का, तो ये तो कटिंग से ही लगा था, और इसके मदर प्लांट ना बड़ा वाले गमले में लगा था, तो वो गर्मियों के कारण थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैंने छोटे छोटे गमले में लगाया था, तो ये लग गया है। और इसको ना अब छोटे से छोटे गमले और बड़े से बड़े गमले में भी लगा सकते हो। छोटे गमले में लगाओ, अगर सक्सेस हो गया तो बहुत सुंदर बुके टाइप का दिखता है। अगर पिंचिंग करते जाओ ना तो ये अच्छा घना हो जाता है। इसकी मिट्टी आप लाइट वेट ही इस्तेमाल कीजिए, मतलब इसकी मिट्टी वेलडन तैयार कीजिए, एक भाग खाद का, एक भाग रेत का और एक भाग मिट्टी का। अगर रेत नहीं है आपके पास, आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके ना बहुत सारे बेबी प्लांट आते हैं, तो बेबी प्लांट से भी इसकी ग्रोथ कर सकते हो। और देखिए बारिश के कारण ना मिट्टी सूख जाती है, ऐसी मतलब टाइट टाइट हो जाती है, तो केयरफुली इसकी मिट्टी को कुड़ाई कर दीजिए थोड़ी थोड़ी। इसमें मिट्टी कम हो गई है तो मैं इसमें मिट्टी भी डाल दूँगी। देखिए इसमें मिट्टी भी कम है, फिर भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है। तो अगर आपको देखिए मिट्टी सख्त हो गई है, तो थोड़ी थोड़ी कुड़ाई कर दीजिए। और पानी जैसे इसमें लग रहा है कि पानी कम हो गया, देखिए अगर पानी कम हो गया ना, तो इसकी पत्तियाँ लटक जाएगी, मुरझानी चालू हो जाएगी, और अगर 2 से 3 दिन पानी नहीं दोगे ना, तो पौधा ख़राब भी हो जाएगा। तो जैसे आपको लग रहा है कि मिट्टी सूख गई है, पत्ता मुरझाने लगा है, तो ना पानी ज़रूर दीजिए, नहीं तो ये थोड़ा सा भी पानी अगर नहीं है तो ये ख़राब होने लगता है। और ओवर वाटरिंग भी मत कीजिए, आप 1-2 दिन पानी दोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि प्लांट को कितना पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर ओवर वाटरिंग करोगे ना, तो ये इसका जड़ भी गल जाता है, तो केयरफुली इसको ध्यान देना पड़ता है। और ये देखिए सेमी सैड में रखा हुआ है, मैंने लाइट पर्याप्त आती है, लेकिन इसको धूप एकदम ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिन के 2-3 घंटे की धूप मिल जाए या फिर 2 घंटे की धूप मिल जाए, तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन इसको लाइट में ज़रूर रखिए, ऐसी जगह रखिए जहाँ पर्याप्त रूप से सूरज की रोशनी
आती हो। और इंडोर तो मैंने अभी तक नहीं रखा है, इसको आउटडोर ही रखा है, लेकिन इसको छांव में रखा है। देखिए ये छांव है, अभी सिर्फ इसमें एक आध घंटे की धूप पड़ेगी। और ये है एक और वैरायटी है जो मैंने अभी कटिंग से लगाया है, तो अभी ये लग रहा है, ये मेहरून कलर की है। और ये देखिए अभी मेरे को कटिंग मिला है इसकी, तो ये लग गई है वैसे। और पत्तियों भी इसकी ग्रोथ अच्छे हो रही है, क्योंकि पत्तियाँ मुरझाई नहीं है, लग रहा है कि मेरे को इसका प्लांट लग गया है। और एक छोटा सा और है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ना ये वीडियो वैसे मैंने जब बारिश हो रही थी तब लिया था, तो इसकी मिट्टी ना टाइट टाइट हो गई है। तो ये देखिए ये भी एक कटिंग से लग गया है। वैसे कटिंग ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, अगर आपका आपके घर का वातावरण मतलब आपके एरिया का वातावरण अच्छा ठंडा युक्त है ना, तो प्लांट जल्दी से लग जाते हैं। तो ये देखिए इसमें अभी बारिश हो रही है, लेकिन अचानक से धूप निकली है ना, तो पौधा थोड़ा मुरझाया सा है और मिट्टी देखिए सख्त हो गई है। तो बारिश के कारण ना मिट्टी सख्त हो जाती है, तो ऐसी कुड़ाई कर दीजिए, लेकिन केयरफुली कुड़ाई करिए, पौधा ना ख़राब होने का मतलब टूटने का खतरा रहता है। ये थोड़ा सा नरम और नाजुक पौधा रहता है, हार्डी प्लांट नहीं रहता, तो थोड़ा सा केयरफुल ये करना पड़ता है। और ना इसको धूप में 2-3 घंटे की धूप लगती है, ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और खाद की भी इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे मिट्टी आप बना रहे हो तो उस टाइम अच्छे से खाद मिला दिए, जैसे गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला दिए हो, तो ये बहुत दिन में इसको खाद की ज़रूरत पड़ती है। 2 या 3 महीने में ही आप खाद डालिए, इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं। बस इसका पानी का ख्याल रखिए, पानी अगर इसको चाहिए तो दे ही दीजिए, ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में डालूंगी तो प्लांट ठीक रहेगा, नहीं। इसका अगर पानी का ख्याल नहीं रखोगे आप ना, तो ये प्लांट मरना ही चालू हो जाता है। और जैसे ना पौधा अच्छा घना है, बाद में जैसे ये बड़ा होगा ना, 7-8 महीने होगा, तो ये प्लांट अपने आप थोड़ा सा मुरझाना, पत्तियों को डल करना ये चालू कर देता है। तो उस टाइम आप क्या करेंगे, इसका कटिंग ले लीजिए और दूसरा पौधा बना लीजिए, दूसरा कटिंग लगा लीजिए और पौधा बना लीजिए। क्योंकि जैसे ये पुराना होता है ना, तो थोड़ा लंबा लंबा टाइप का होगा इसकी ये जो ब्रांच है, और पत्तियों को झड़ाना चालू कर देगा, तो आप समझ जाना कि प्लांट अब पुराना हो गया है, ये मर भी सकता है प्लांट। तो उस टाइम आप उसकी अच्छे से कटिंग ले लीजिए और बहुत सारे कटिंग लगा लीजिए, तो उससे पौधा बचा भी रहेगा, आपके पास प्लांट बचे भी रहेंगे। इसको आप बीज से भी ग्रो कर सकते हो बरसात के दिनों में, या फिर जैसे बीज आया ना, तो आप अपने गार्डन में इसको छिड़क देना, वो बरसात के दिनों में अपने आप उगाता है। तो मेरे से ऐसा हुआ है, मतलब हो जाता था, लेकिन अभी इस बार नहीं होगा, तो मेरे को बाहर से कटिंग लाना पड़ा। तो ये है जो पहले दिखाई थी ना, अभी कुछ दिन के बाद का ये वीडियो है, अपडेटेड वीडियो है। तो ये कटिंग अच्छी तरह से लग गया है, और देखिए स्टार्टिंग से ये घना होता जा रहा है, लेकिन जैसे ये बड़ा होगा तो मैं थोड़ी सी और पिंचिंग कर दूँगी, तो फिर पौधा अच्छे से घना हो जाएगा। तो खाद जैसे ना 2 या 3 महीने में दे दीजिए, गोबर खाद या किचन से भी जो वेस्ट जो किचन वेस्ट निकलता है, जैसे पानी निकलता है किचन का पानी, दाल का पानी, चावल का पानी, आप इसको दे दीजिए। और ना मिट्टी सूख जाए तो ज़रूर पानी दीजिए, ऐसा कुछ प्लांट होता है जो 2-3 दिन मिट्टी जैसे सूख गई तो प्लांट चलता है, लेकिन जैसे ये प्लांट है ना थोड़ा सा सैड हो जाता है जल्दी, इसको पानी अगर नहीं दोगे तो पत्ती मुरझानी चालू हो जाती है। और चाहो तो इसमें थोड़ी सी छोटी सी फिटकरी भी डाल सकते हो, फिटकरी डालोगे ना तो मिट्टी में जैसे कीड़े मकोड़े लगेंगे, तो मिट्टी में कीड़े मकोड़े नहीं लगते और चींटियाँ भी नहीं आती, क्योंकि कभी कभी इस प्लांट में ना चींटियों का अटैक होता है। तो जैसे फिटकरी को ना आप मिट्टी में मिला दोगे या फिर मिट्टी के ऊपर रख दोगे और पानी डालते रहोगे, तो ये प्लांट भी अच्छे से